इस बार कौन महापौर हो सकता है? कामनी राठौर, बीजेपी वाले, बीजेपी ने एक साइड प्रत्याशी नहीं बाकी है, सीधे बीजेपी का प्रोड उज्जवल गुप्ता हमारा वोट उज्जवल गुप्ता जी को जाए। उज्जवल गुप्ता जी, हम तो जब से वोट देना चालू किया तब से फूल को ही वोट दे रहे हैं। कमल का फूल कामनी राठौर, और उसके लिए कमल के फूल को ही खिलाना है तो केवल बीजेपी सरकार से ही है। साइकिल। फिरोजाबाद निकाय चुनाव की हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या जनता का रुझान कह रहा है, जिनका मन क्या कहता है। ये पूरी सीरीज हम जो है वो आपको दिखा रहे हैं और इस सीरीज का हर एक वीडियो देखिए। अगर आप ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के एक बार वो सारे वीडियोस भी देख लीजिए और आने वाले सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो से एक ये अंदाजा हो जाए कि इस बार निकाय चुनाव में क्या होने वाला है और कौन महापौर बनने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए ताकि आगे जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख सके। तो आइए हम इस समय अटल पार्क हैं और अटल पार्क में आपको दिखाते हैं कि अटल पार्क की जनता का, अटल पार्क में जनता का क्या रुझान है। आइए 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 नमस्कार भैया, क्या क्या लग रहा है इस बार महापौर कौन बनेगा? भैया हम तो मालूम है पार्टी संगठन रहे हैं और अपने संगठन का ही प्रत्याशी बताएंगे तो क्या लगना चाहिए? कामनी राठौर जी जीत रही, बहुत अच्छी मत। आपको क्या लगता है? कामनी राठौर, कामनी राठौर, रिकॉर्ड बोर्ड यहाँ से शुरू। क्या लगता है कौन इस बार महापौर होगा? कुछ कह नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं। आपको क्या लगता है? वैसे मेरे हिसाब से यार उज्जवल गुप्ता को होना, लेकिन किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पाई, वो तो लग रही बीजेपी की ज़्यादा है। तो कौन होगा? बीजेपी से जो खड़े हुए हैं वही होंगे। हाँ, कुछ राठौर ने नाम नहीं बता। ठीक है, कामनी राठौर। अच्छा, आप बताइए। सब कामनी राठौर की उम्मीद ज़्यादा लग रही है क्योंकि महापौर की वही खड़ी हुई है और नगर नहीं तो नगर को जो है अपने उज्जवल गुप्ता। हाँ, तो मैं भी ज़्यादातर सभी जनता की ज़्यादातर जो सोच पसंद है वो फूल को ही ज़्यादा जाना है वोट। देखते हैं, चलिए जरूर नंबर। आपको क्या लगता है? सर मुझे ये लगता है कि इस बार महापौर का जो चुनाव है बीजेपी ने एक सही प्रत्याशी में इलाज किया है, इसलिए बीजेपी का विरोध है। इसलिए लोग बीजेपी के जो सपोर्टर है उज्जवल गुप्ता को ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि फिरोजाबाद में वैश्य समाज वोट काफ़ी है और वो वैश्य समाज से आती है, इसलिए लोग बीजेपी की अपेक्षा उज्जवल गुप्ता की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। इस समय एक चीज़ और देखने को मिली है काफ़ी समय बाद कि सपा और बसपा की प्रत्याशी से ज़्यादा था इस समय उज्जवल गुप्ता फिरोजाबाद की बन चुकी है। तो उज्जवल गुप्ता की उम्मीद जी, उज्जवल गुप्ता की उम्मीद रही लेकिन चलिए और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर लगातार हम आपको जो दिखा रहे हैं एक ये सीरीज है पूरी, को ज़रूर देखिएगा। सर इस बार कौन महापौर हो सकता है? कामनी राठौर, कामनी राठौर। आपको क्या लगता है? कामनी राठौर। आप ठीक है? कामनी राठौर, कामनी राठौर। हम तो बोल के जिताएंगे सब। अच्छा चलिए, कामनी राठौर बोल को जिताएंगे, कामनी राठौर। आइए और लोगों को बनिए जल्दी से। ये जो है इस तरफ हमारे इस बार कौन महापौर बनना चाहिए? वोट किसको देंगी? मेयर की सीट फूल पैर और किन में फूल पैर? फूल पैर। हाँ, अच्छा क्यों? क्यों, वो काम अच्छे कर रहे हैं, सब काम है रहे हैं, यही बात है। और आप किसको देंगे? आप देखो, अभी तो कुछ विचार है नहीं किसको मिलेगा। आपको क्या लगता है सर इस बार कौन जीते? जी सर, पार्क में खड़े हैं, ये भूलपालों ने ही बनवाया है, इतना अच्छा पार्क अभी शहर में सोचा था कि इतना अच्छा पार्क बनेगा, क्या अगर भाजपा ने काम नहीं किया होता ये पार्क बन गया था, इसलिए पूरी तरह से फुल सपोर्ट, पूरी तरह से फुल सपोर्ट बीजेपी। ये लोग हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल 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 आ रहे हैं आपके पास। अजी तो इधर क्या अंताक्षरी खेल रहे हैं आप लोग? नहीं तो कुछ सवाल करने हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार महापौर कौन बनना चाहिए, तो आप लोगों की राय अगर इसमें मिल जाएगी हमें तो पब्लिक के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना कौन महापौर होना चाहिए। बट
पार्टी तो पता होगी ना? नहीं नहीं आप बताओ। हम तो जब से वोट देना चालू किया है तब से फूल को ही वोट दे रहे हैं, चाहे कोई खड़ा हो करता कोई कुछ नहीं है किसी के लिए। तो हम तो फूल अब यही सिखाया फूल को वोट तो फूल को ही दे रहे हैं, चाहे कुछ करे या कोई या ना करे। आप कहते हैं पिछले 5 साल में फूल ने कुछ नहीं किया? नहीं, फूल ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिरोजाबाद के लिए किसी ने कुछ किया या नहीं किया, एक जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो हमारे शहर फिरोजाबाद के लिए नूतन राठौर जी ने कुछ नहीं किया। काम ठीक है, नेतृत्व में जो नितिन राठौर जी ने किया उनका काम किसी को सराहनीय लगा किसी को नहीं। चलिए चलिए आइए, इधर कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा परेशान करता है। सर इस बार क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद है, महापौर कौन बन सकता है? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अच्छा, इसलिए हम नाम इस नहीं। चलिए 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 कोई बात नहीं, आप तो नहीं है, आप बताइए। वैसे तो ये है कि कामिनी राठौर ही होगी। कामिनी राठौर था। चलिए आप बताइए सर। ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार, अच्छा, यानी कि कामिनी राठौर। अच्छा, ट्रिपल इंजन। ट्रिपल इंजन सर, आप बताइए। ट्रिपल इंजन। अच्छा, आपकी तरफ से भी सही है सर, ट्रिपल इंजन नहीं। अच्छा, क्यों क्यों ट्रिपल इंजन होना चाहिए? फायदा बजट तो केंद्र सरकार से, अटल पार्क इसमें केंद्र सरकार का ही बजट है और अमृत योजना के तहत ही बना है, तो प्रदेश में सरकार होगी और हमारी नगर निगम में भी सरकार होगी, तो पूरा सिस्टम जब एक होगा, एक सोच होगी, तो अपने आप से आगे बढ़ेगा। चलिए आइए और लोगों की राय जानेंगे सर। सर कुछ लोग हैं इस तरफ शायद, इधर सबसे ज्यादा है, तो चलिए इधर से पूछते हैं। सर इस बार कौन महापौर बन सकता है? अभी महापौर बताइए। मैं डॉक्टर साहब, महापौर तो पूरी तैयारी, भाजपा में कैंडिडेट है, कामनी राठौर की तैयारी जम रही है। अच्छा, वो निर्दलीय है, वो उनकी अभी कोई पोजीशन बहुत बहुत खराब है। अच्छा, वो पहले से तैयारी करती हूँ तब कुछ। चलिए, तो उम्मीद किसकी है, भाजपा की? भाजपा की, भाजपा की है। अब क्या होता है सर, भाजपा की भाजपा की उम्मीद है सर, क्या लगता है किसकी उम्मीद? भाई ने कहा है वही सही है। अच्छा, क्या ये दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं? अच्छा, आप एक भाषा में बताइए। कसमकत है, निर्णय कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, ये बात सही है, लेकिन पोजीशन स्थिति क्लियर। अच्छा जी, तो असमंजस। असमंजस जी सर, आप बताएं किस कौन महापौर हो सकता है इस बार? महापौर नूतन राठौर हूँ। महापौर नूतन राठौर तो चलेंगे, कामिनी राठौर। चलिए, यानी बीजेपी पर आप बताइए। पूरा बहुमत का, फूल का बहुमत है, फूल का बहुमत है, फूल का बहुमत है। इधर आइए, इधर किसी बहू से जानते हैं मत क्या है। सर क्या लग रहा है इस बार महापौर कौन होने चाहिए? महापौर अच्छी, हमारा तो विचार बीजेपी, बीजेपी से बीजेपी आपकी बीजेपी। इधर सर क्या लग रहा है? जो भी बने अच्छा बने, जो सर विकास कर रहे, विकास करे यहाँ था, लेकिन नाम नहीं बता रहा। चलिए आप इस बार तो हम यही चाहते हैं, अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति आए, जिससे कि शहर का, देश का उन्नति हो, विकास हो सके। कौन हो सकता है? ये तो नहीं, आप तो जादू करें, कोशिश बना लूंगे। अच्छा, मतलब ये सर जैसा कि इस वातावरण बना हुआ है, तो जरूर हमको अपनी केंद्र की सरकार को सशक्त कराना है और उसके लिए कमल के फूल को ही खिलाना है, और यही हम समझते हैं, जब वो खिलता है तो वो देश का सब तरफ से विकास होगा, मजबूत होगा। सरकार कमल का फूल, आपका क्या होता है माता जी, कौन जीतना चाहिए?
जो अच्छा कार्य करे वही जीत में से। अच्छा कार्य करे तो कौन अच्छा कार्य करेगा? करेगा जो अपना अंदर से चिंता देगा, समय बताएगा, तो देश की सेवा को, देश को अपना तो समझेगा, वो करेगा। चलिए चलिए, मैं वहाँ पर कमल का फूल, कमल का फूल, चलिए इधर एक छोड़ के कमल का फूल है। ये तो सबको दिखाई दे रहा है, अपोजिट वाले कुछ भी कहते रहे। कमल का मीन बताए ना, कमल का, कमल का फूल लिखने। अच्छा आप बताए जी, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, बीजेपी, कमल का फूल मैम, कमल का फूल, कमल का फूल, इधर सारे कमल के फूल वाले हैं, तो आप सबसे पूछना तो बेकार है, और लोगों से इधर पूछता है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, इस बार किसकी उम्मीद है महापौर भवन में? देखिए दो दो कैंडिडेट हैं, मेन तो निर्दलीय तो उज्जवल जी है, और दूसरी कामनी राठौर जी है, लेकिन हमारा वोट उज्जवल गुप्ता जी को जा रहा है। वेरी गुड, इधर 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 सर, सर सर, उज्जवल गुप्ता सर, उज्जवल गुप्ता सर, आप गुप्ता जी, उज्जवल गुप्ता जी, उज्जवल, उज्जवल सर, सर इस बार कौन वहाँ पर? अभी मैं तो भाई योगाचार्य हूँ, मैं किसी की राय नहीं दूंगा, किसी का जो भैया बढ़िया सर, वोट ही नहीं है यहाँ, नहीं है तो, अरे वाह इधर वोट ही नहीं है। चलिए आप बताइए, साइकिल हो गया, साइकिल, अरे वाह एक वोट नया साइकिल, साइकिल, साइकिल दो मिल गए साइकिल को इधर को। सर क्या लगता है आपको कौन किसकी नहीं देखे? फूल, फूल का फूल, बीजेपी, वही इधर चिड़िया उड़ रही है, तो वैसे तो आप लोग का वोट नहीं है, है? लेकिन शहर में क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है? कमल का फूल, साइकिल, कौन पता नहीं, कमल का फूल। अच्छा आपका वोट है? हाँ, तो किसको देंगे? कमल, कमल का फूल, चलिए बीजेपी तो एक मिला। हाँ भैया क्या लग रहा है महापौर कौन बनेगा? कामिनी राठौर, कामिनी राठौर। अच्छा आपको क्या लगता है? कोई आइडिया नहीं सर, मोदी जीतेगा इतना पक्का। अच्छा बीजेपी तो इस सीरीज कैसे से हर एक वीडियो आप देखिए, तभी आपको सही अंदाजा लग पाएगा, क्योंकि हम अलग अलग जगहों का सर्वे कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पर क्या लोगों की राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये एक क्विक सर्वे है, इसमें ज़्यादा कुछ हम सवाल जवाब कर नहीं रहे, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कौन जीत सकता है, नाम एक आइडिया आपको होता है, इस बार कौन मेयर बन सकता है मैम, वोट किसको देंगे? नहीं पता, मैं यहाँ की रहने वाली। चलिए यहाँ की रहने वाली नहीं, तो यहाँ के रहने वालों पे, यहाँ के रहने वालों से डुबता है। सर इस बार मेयर कौन बन सकता है? तो कामनी राठौर ही बनेंगे, कामनी राठौर ही बनेंगे। अच्छा इधर कुछ सर, हाँ लाल टोपी वाले आप समाजवादी तो नहीं है? अच्छा तो कौन जीत सकता है? कामनी राठौर बिन, कामनी राठौर, आपको क्या लगता है? भाई कामनी राठौर ही जीतेंगे, कामनी राठौर ही जीतेंगे। आ जाओ क्या भैया, इस बार कौन जीत सकता है? कोई भी जीते, पर एक्चुअल में मैच तो काटे का ही मजा हुआ शहर में, इधर की रहती बस दोनों चल रहे हैं, और वैसे ज़्यादातर पूरे शहर के अंदर प्रभाव तो उन्हीं का ही है, कामनी राठौर जी का ही। अच्छा और फिर कुछ भी हो सकता है, तो लोग ज़्यादातर दे सकता है, दूसरा फाइटर तो सभी को पता है, बस उज्ज्वला चल रही है और क्या है। अच्छा पर कामनी राठौर जी की स्थिति इसलिए मजबूत हो सकती है कि हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में शुरू से प्रभाव बीजेपी का रहा है। चलिए जी भैया, बीजेपी का रहा है। आई और इधर जानते हैं, इधर जानते हैं, इधर जानते हैं। सर इस बार कौन महापौर हो सकता है? सर इस समय बीजेपी हो सकती है, बीजेपी, आप बताइए। बीजेपी, बीजेपी, आप उज्ज्वला गुप्ता, उज्ज्वल गुप्ता, आप सर? उज्ज्वला गुप्ता सर, आप? बीजेपी, बीजेपी। मिले जुले इधर, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकते, चलिए आप अपनी बीजेपी, 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 बीजेपी सर, बीजेपी, बीजेपी सर, बीजेपी,
बीजेपी, तो इधर बीजेपी और मुज्जल दोनों का मिला जुला है। कुछ लोग इधर इधर हैं, इधर लोग से पूछते हैं जी बता सर इस बार कौन मेयर हो सकता है? इस बार कोई हो सकते हैं अच्छा बीजेपी आप बताइए कामिनी राठौर कामिनी राठौर बीजेपी इधर भी है सर इस बार कौन भी महापौर हो सकता है किस पार्टी का उन्हें होना चाहिए उम्मीद क्या है उम्मीद तो बहुत वो है अच्छा बीजेपी हाँ बीजेपी बीजेपी की उम्मीद है हाँ वो जल्दी जल्दी बस अटल पार्क का आपको सर्वे दिखा रहे हैं पीछे कुछ लोग और बाकी उनसे भी जानेंगे सर इस बार कौन मेयर होना चाहिए मेयर तो पार्टी ही होती है वही होगी कौन कहीं नहीं हो पा रहे अच्छा बीजेपी आप बीजेपी तो इधर तो सर आप क्या करते हैं मैं तो कोई पार्टी नहीं करता अच्छा कोई भी बने देश का मुझे क्या कोई भी बने ओके आगे तक इंडिया उम्मीद ही है भैया मिला जुला रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग उज्जवल गुप्ता को कह रहे हैं कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और 4 तारीख को वोट देने जरूर जाइए सर क्या लग रहा है इस बार कौन मेयर हो सकता है कामिनी राठौरी कामिनी राठौर आपको क्या लगता है मेयर कौन बनेगा राठौर बीजेपी वोट है आपका नहीं अच्छा वोट नहीं है चलिए बेहतर है मेयर कौन बनना चाहिए इस बार अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी आप बताइए मैडम समाजवादी आप बताइए अच्छा इधर सारे समाजवादी चलिए मैम इस बार मेयर कौन बनना चाहिए इतना तो उसको नहीं तो जनाब ये हमारा अटल पार्क है और ये अटल पार्क के लोगों का कहना है जो रुझान है वो हमने आपको बताया मैम आपको क्या लगता है इस बार कौन मेयर बनना है सर मेरे को तो केवल बीजेपी सरकार से ही है केंद्र मोदी यूपी में योगी बाकी का सब कमल यस अच्छा चलिए तो इधर भी 100% कमल खिला रहे हैं लोग बाकी ये तो 4 तारीख को वोटिंग और 13 को रिजल्ट बताएंगे कि क्या एक्चुअल में होने वाला है सर इस बार कौन मेयर बनना चाहिए जी सर मुझे समझ में नहीं कर कोई बात नहीं आप क्या कौन नहीं आप बताइए कौन मेयर होना चाहिए इस बार फांटे की टक्कर है अभी कुछ कह नहीं सकते आना भी हमारे यहाँ से शहर की पढ़े लिखे युवा उन्हें को मेयर बनाना चाहिए तो कौन है नीतीश का पढ़ा लिखा युवा ऐसे तो पढ़े लिखे आपके मेयर उम्मीदवार उज्जवल गुप्ता जी तो उज्जवल गुप्ता की उम्मीद है अब अभी सर कह नहीं सकते चलिए तो ये जो है ये लोग आए सर एक मिनट सर इस बार कौन मेयर होना चाहिए मेयर कोई अच्छा ही आना चाहिए कौन सी पार्टी लग रहा है आपको उम्मीद जिसकी ज़्यादा है आवाज किधर है भाई उम्मीद तो ये फूल वाली है बाइकन वाली है मुझे अभी इसे वो भी सामने राठौर कामिनी राठौर वो ना तो पार्टी की याद नहीं है कामिनी राठौर जो है ये अटल पार्क का रवैया है हमने आपको बताया माहौल बाकी नीचे आप देख ही रहे हैं कौन वोट किसको ज्यादा मिला